अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी के विधायक तिरोंग अबो समेत 11 लोगों की हत्या, चरमपंथी संगठन एनएससीएन पर हमले का शक। देश के कई राज्यों में ईवीएम में लदी गाड़ियां मिलने पर 19 विपक्षी दलों ने मीटिंग की, बाद में चुनाव आयोग से मिले। ईवीएम में हेराफेरी की शिकायतों पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बयान जारी किया, कहा केंद्रीय चुनाव आयोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की अटकलों पर रोक लगाए। एग्जिट पोल्स को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट, कहा एग्जिट पोल वास्तविक नहीं है, 23 मई को सच सामने आएगा। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा एग्जिट पोल पर ध्यान ना दें, मतगणना केंद्रों पर डटे रहें। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने पर चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद पर बैठक हुई। आयोग ने कहा अल्पमत राय रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को सीबीआई से क्लीन चिट, कहा कोई सबूत नहीं मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा में विश्वास मत साबित करने की बीजेपी की चुनौती पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कांग्रेस के 10 विधायकों को फोन पर रुपए और पद का लालच दिया गया। और 30 मई से इंग्लैंड में शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम तैयार, पहला मुकाबला 5 जून को दक्षिण अफ्रीका से।